तो हमारा तो जैसे होश उड़ गया। उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, हमने कहा घाटशिला से आए हैं। हाय देयर, इट्स मी कुमार सोनल एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग बर्ड्स। अभी ना हम लोग CKP में हैं। हम लोग चले गए थे डांगवा पोसी। डांगवा पोसी यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। वहाँ से फिर वापस लौटे हैं इधर CKP। एक्चुअली इनको इंटरव्यू देना है, इसके लिए हम लोग आए हैं आज यहाँ पे। और सच बताऊँ तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। ख़राब इसलिए ना क्योंकि हम लोग राइड कर रहे हैं लगभग सुबह के 6:30 बजे से। और मैं आपको अभी टाइम दिखाता हूँ। ये देखिए अभी टाइम 11:43 हो रहा है, 44 इनफैक्ट। अभी जाके हमारा राइड करना ख़त्म हुआ, अभी जस्ट ही हम लोग पहुँचे हैं। ये अभी फॉर्म भर रही हैं और इसके बाद फॉर्म भर के जाएंगे अंदर। बस भगवान के दया से इंटरव्यू बढ़िया चल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। सच बताऊँ तो इंटरव्यू का जो टाइमिंग था वो पार हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें हैरेस होना पड़ा है ना, जिसका कहना ही क्या है। गलती पूरी पूरी हमारी भी नहीं है और उनकी तो बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर रखा था, मतलब एक्चुअली जो प्लेस था वो था डांगवा पोसी, लेकिन जहाँ इंटरव्यू लेंगे ये लोग वो CKP है, लेकिन वो बीच में लिखा हुआ था तो हम लोग थोड़ा नज़रअंदाज कर गए। इसके लिए हैरेसमेंट जो है वो बहुत तगड़ा हो गया। 80 किलोमीटर चल गए थे, फिर 80 किलोमीटर वापस आए, मतलब 160 किलोमीटर तो हमारा यहीं हो गया आना जाना। जो भी हो, फाइनली अभी पहुँचे हैं। 11:45 अभी तो और पार हो गया होगा, देखता हूँ। हाँ सोचिए 11:45 में पहुंचे हैं। टाइम 11 बजे तक ही था, लेकिन इसके बावजूद अभी देख रहे हैं कि और भी कितने ऐसे हैं जो वही सेम गलती हमारे जैसे किए हैं, जो वहां से आ गए या फिर जो आए ही लेट हैं, तो उनका भी अभी इंटरव्यू हो रहा है। तो इसीलिए तकलीफ कुछ हुआ नहीं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, वरना तो रोना आ जाता, लिटरली रोना आ जाता। जब वहीं पे पहुंच के हमें पता चला ना कि मतलब इंटरव्यू वहां नहीं होने वाला है, उनका वेन्यू जो है वो यहां है, तो हमारा तो जैसे होश उड़ गया। उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, हमने कहा घाटशिला से आए हैं। वो चौंक गए लिटरली कि घाटशिला से आप लोग आए हैं, खुद ही फिर बोलने लगे। तब तो एकदम सुबह सुबह आप लोग निकले होंगे, तो हमने कहा हाँ 6 बजे के आसपास से निकले हैं हम लोग। वो लोग पूरा चौंक गए और फिर वो लोग बोले अरे बाप रे, तब तो आप ही का होना चाहिए। फिर इसके बाद वो लोग बोले कि अच्छा और आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, इतना दूर से जब आए हैं तो अभी फिर जाइए, हो जाएगा टाइम मैनेज हो जाएगा। उन लोगों ने बोला आप लोग घंटा भर या उससे पार भी हो जाएगा ना, तो भी टाइम मैनेज हो जाएगा। हमें थोड़ा आस जगा कि चलो ठीक है। फिर तो रास्ता पूरा पूरा ठीक नहीं था, बहुत जगह खराब रास्ता है। बहुत जगह पे ऐसा था जहाँ पे पूरा भीड़ भाड़ पार करते हुए आना पड़ा, क्योंकि मार्केट एरिया था जहाँ पे आप 30 पे भी नहीं जा सकते हो, इतना ज़बरदस्त भीड़। और बहुत सारा खाली रास्ता भी मिला। तो जो भी हो, हमें वहाँ से इधर आने में लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगा, और 1.5 घंटे का वक्त भी तब जब हम लोग ठीक ठाक स्पीड में आए हैं, तब जाके 1.5 घंटे का वक्त। क्योंकि जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है या फिर जहाँ पे रोड खराब है, वहाँ तो कितना आप 30 से ऊपर जा नहीं सकते हो, और अगर जाओगे तो फिर बाइक खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। टायर घिस जाएगा, पता चला टायर फट गया, फिर वहीं रह जाओ फिर। तो वहाँ पे जितना ज़्यादा स्लो में आप जाओगे उतना बढ़िया रहेगा। तो वहाँ से हम लोग बहुत स्लो आए, और जहाँ पे खाली रास्ता मिला वहाँ पे थोड़ा स्पीड में आए, तो उस हिसाब से 1.5 घंटे के आसपास हमें लगा, 1.5 घंटे से ज़्यादा ही लगा इनफैक्ट। डिस्टेंस भी तो कम नहीं था ना, 80 किलोमीटर। खैर खुशी इस बात की है कि कम से कम पहुँच गए। अब देखते हैं इंटरव्यू कैसा रहता है कैसा नहीं। फिलहाल मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। सुबह से हम लोग नाश्ता नहीं किए, ये तो फिर भी चाय पी है। चाय पियो ना तुम, इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ अभी क्योंकि ये फॉर्म भर रही हैं। ये बस चाय पी हैं, और मैं सुबह सुबह चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीता, और एकदम सुबह सुबह तो खाने का भी इच्छा नहीं करता है, बाद बाद में खाना खाने का मन करता है, तो बाद बाद में खाता हूँ। और उनको तो मैंने बोल दिया था कि हम लोग घाटशिला से चले, बट एक्चुअली में हम लोग मामा घर में रुके थे। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, मेरी बहन थी वीडियो में, है ना, वो बहुत टाइम से आना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाता था, क्योंकि पता चलता था कभी मुझे कहीं और शूट करना है तो कभी वो स्कूल गई हुई है, इस तरीके का होता था हालत। लेकिन खैर इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग साथ में सारा शूट किए हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो यहाँ पे टच करके देख सकते हैं। तो हम लोग मामा घर में रुके हुए थे, और फिर मामी बहुत जिद की नाश्ता उस्ता करने के लिए, लेकिन मैं सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ, इसलिए मैं कुछ भी खाया पिया नहीं। तो उन्होंने टिफ़िन दे दिया, अब टिफ़िन अभी खाऊंगा क्योंकि टिफ़िन खाने का भी वक्त नहीं मिला। वो गई इंटरव्यू देने। अच्छा अंदर से हल्ला गुल्ला का बहुत आवाज़ आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ। वो देखिए सारे बच्चे बाहर निकल रहे हैं इंटरव्यू देके। ये एकदम लास्ट में जा रही हैं लगता है। नहीं सारे का इंटरव्यू हो गया इसका मतलब है। अभी सच बताऊँ ना तो भूख बहुत तेज़ लगा है, तो अभी मैं टिफ़िन कर लेता हूँ, इसके बाद आपसे बात करता हूँ। तब तक उनका इंटरव्यू भी हो जाएगा, देखते हैं कैसा इंटरव्यू जाता है। मेहनत तो हमने तगड़ा किया है। अभी बहुत ज़्यादा देर हो गया है, इसके बाद भी उनका इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने
लगभग 12 बजे के ही आसपास मुझे बोल दिया था कि बहुत समय लगेगा, आप खाना खा लीजिए। तो मैं तो खा लिया हूँ। उससे पहले आपको वक्त दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी 1:40 हो रहा है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था कि 11:44 हो रहा था उस टाइम पे, है ना। उस टाइम पे वो हड़बड़ा रही थी, फॉर्म भर रही थी अंदर जाने के लिए, और अभी इतना देर हो गया है। एक्चुअली क्या है ना कि फॉर्म भर के वो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं ऑन द स्पॉट, और इसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो उस टाइम पे फॉर्म भर के जब वो गई तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन वो सब हुआ, वही होते होते मुझे लगता है शायद 1 बज गया था, 1 पार हो गया था, और अभी 1:40 हो रहा है। उनका लास्ट कॉल आया मुझे 1 बजे के आसपास, तब उन्होंने बोला कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, अभी एक एक करके सारे लोग जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। एक चीज़ और उन्होंने बोला कि बहुत भूख लगा है। तो मैंने बोला कि वो तो बात सही है, क्योंकि वो सुबह से चाय पी थी। इसके बाद हमने जैसा सोचा था कि फटाफट से इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर आराम से खाया जाएगा, और नहीं तो फिर रास्ते में ही खा लेंगे, तो वो चीज़ हो नहीं पाया, क्योंकि हम लोग तो डांगवा पोसी पहुँच गए और फिर वहाँ से इधर आना पड़ा। तो वो तो अच्छा हुआ कि इंटरव्यू यहाँ पे लेट शुरू हुआ, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाता। हालांकि फिर भी हम लोग जाके रिक्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे ना, तो कंसिडर किए जा सकते थे मे बी, पता नहीं। लेकिन जो भी हो, फाइनली इंटरव्यू तो हो रहा है। अभी देखते हैं कि इंटरव्यू कैसा गया। वो अभी तक तो निकली नहीं है, पता नहीं कितना और वक्त लगेगा, शायद 2:30 बज जाएगा। तब तक मैं इधर टिका हुआ हूँ, ये देखिए यहाँ बैठने के लिए है बना हुआ। ये सारे क्वार्टर्स शायद रेलवे के हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट लग रहा है जैसा। अभी वैसे हालत थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए ना क्योंकि मैंने तो खा लिया भाई खाना, और उनके लिए है अभी खाना, बट पानी वो हमने ज़्यादा कैरी नहीं किया था। मामी वैसे बोल रही थी कि नहीं बड़ा वाला बॉटल में आप लोग लेके जाओ, लेकिन हम लोग माने ही नहीं, छोटा वाला बॉटल लेके आ गए, और अब पानी इसमें ख़त्म होने को है। मुझे प्यास भी लगा है, लेकिन अगर इसको पी लूँगा तो उनके लिए फिर पानी नहीं बचेगा, इसलिए इसको पीता नहीं हूँ ताकि दोनों का थोड़ा थोड़ा मतलब हलक जो है वो तो कम से कम भीगे। खैर देखते हैं, हाँ जाते वक्त दुकान खुला रहेगा तो फिर वहाँ से पानी का व्यवस्था कर लेंगे। फिलहाल तो वेट कर रहा हूँ कि कब वो निकलेंगे। और ये देखिए, ये फाइनली अब निकल गई हैं, जस्ट थोड़ा देर पहले ही निकली, और मैं एक स्टिंग लेके आया। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं इनको तो सर्दी है, ये पी नहीं सकती हैं, तो फिर मैं ही पी गया। प्यास भी लगा हुआ था तो मैं पूरा पी गया, और इंटरव्यू इनका ठीक ठाक गया। 2 सवाल सिर्फ ये बोल नहीं पाई, क्योंकि प्रॉपर आंसर इनको नहीं आया। आंसर तो आता था ऐसे, लेकिन पूरा पूरा नहीं, एग्जैक्ट जो आंसर होना चाहिए वो नहीं आता था, तो इस वजह से उन्होंने वो 2 क्वेश्चन पास कर दिया, बस बाकी तो सब ठीक ठाक गया। बट इनका पेशेंस मानना पड़ेगा कि अभी तक भी कुछ खाई नहीं है, और मैं आपको वक्त दिखा देता हूँ। ये देखिए 2:36 हो रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, उस टाइम पे 1:40 हो रहा था, और तब तक मैं खाना पीना सब खा चुका था, और इसके बाद इतना थकावट लग रहा था कि कैमरे को रख के मैं यहाँ पे सो गया था। फिर ये जब निकली ना, तो फिर इन्होंने जगाया कि अरे अब सो गए, फिर मैं जागा, फिर मैं इनको बोला कि अरे तुम पहले खा लो, इसके बाद बताना कि कैसा गया कैसा नहीं। तो इन्होंने बताया पहले, फिर इनको ज़्यादा खाने का मन नहीं किया। क्या है ना कि सुबह से अगर आप कुछ ज़्यादा खाओ मत, तो इसके बाद एकाएक और खाने का इच्छा नहीं करता है, तो इस वजह से वो तो अभी कुछ खाई नहीं। और यहाँ से अभी हमें फटाफट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं जुबली पार्क का लाइटिंग आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ से जमशेदपुर जाना यानी कि 3 घंटे का लंबा ड्राइव है हमारे लिए। तो अभी 2:35 हो रहा है, अभी से हम लोग जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे तो 4 घंटा लगेगा, इसका मतलब है कि 6:35 हो जाएगा, तो मैं मोटा मोटी पकड़ के चलता हूँ 6:30, ठीक है। तो 6:30 तक हम लोग पहुँचेंगे। फट से जाके ही तो व्लॉग शुरू नहीं कर पाऊँगा ना, क्योंकि पहले बाइक को अच्छे से पार्क करूँगा, मतलब जहाँ से मुझे सुकून रहे कि भाई मेरा बाइक मिले मुझे वापस आके, नहीं पता चला बाइक गायब है। तो अभी बहुत ज़्यादा लेट यहाँ पर करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए व्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।